हेडलाइंस डेली HD न्यूज। शहर के श्वेतांबर जैन समाज के नाम आज एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। एरोड्रम रोड स्थित महावीर बाग पर आज सुबह शहर की उच्च शिक्षित 27 वर्षीय कृति कोठारी अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर तप त्याग और वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए साध्वी बन गई। गच्छाधिपति आचार्य भगवंत जी मणिप्रद सूरीश्वर की पावन निश्रा में 100 से अधिक साधु साध्वी भगवंतों की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे चली इस शास्त्रोक्त प्रक्रिया के साक्षी हजारों समाज बंधु बने। इस दौरान महावीर बाग में बार बार जय घोष एवं हर्ष हर्ष के उद्घोष गूंजते रहे। गच्छाधिपति की अनुमति से अब कृति कोठारी को साध्वी कृतार्थ प्रभाश्री के नए नाम से जाना जाएगा। आयोजन समिति के दिलसुखराज कटारिया, दिनेश डोसी एवं नवीन ललवानी जी ने बताया कि सुबह सबसे पहले सुश्री कृति कोठारी संसारी वेशभूषा में सज धज कर सुर्ख जली वाली लाल साड़ी पहनकर रैंप पर चलते हुए मंच पर आई और आचार्य श्री सहित सभी साधु साध्वी भगवंतों को प्रणाम किया। सुबह ठीक 8:36 पर सबसे पहले कृति को उनके परिजन मंच पर लेकर आए। दीक्षार्थी के मंच पर आने पर आचार्य श्री ने उन्हें बिच्छी और आसन देकर मंत्र पढ़कर सिर पर वास शीप की वर्षा कर सुरक्षा कवच प्रदान किया। बिच्छी लेकर कृति ने नृत्य करते हुए संवशरण की परिक्रमा की। चैत्य वंदन, नंदी सूत्र के वाचन एवं सकल श्री संघ की अनुमति के बाद रिश्तेदारों ने अंतिम विजय तिलक लगाकर उन्हें अपना वेश बदलने के लिए अलग कक्ष में जाने की सहमति प्रदान की। महावीर बाग के सभागृह में रैंप के दोनों ओर जमा अपार जन समूह उनके इस प्रस्थान की साक्षी बने। पंचकुया राम मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मणानंद भी समारोह में मौजूद रहे। लगभग 1.5 घंटे बाद जब वे 10:10 पर वापस उसी मार्ग से मंच पर आई तो उनका परिवेश साध्वी का था और साध्वी जीवन में प्रयुक्त होने वाली सभी चीजें उनके कांधे व हाथों में सुशोभित थी। जैसे ही उन्होंने साध्वी वेश में रैंप पर प्रवेश किया तो उनके दर्शन की एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंच पर पहुंचने के बाद 4 साध्वी वृंद के सहयोग से उनके बचे हुए केश लोचन कर मां पुष्पा कोठारी को सौंप दिए गए। साध्वी परिवेश के बाद उन्होंने 70 भेदी पूजा भी संपन्न की। रजोहरण, वेश परिवर्तन, केश लौच, पचकाण की विधियां संपन्न होते ही गच्छाधिपति ने उन्हें नया नाम कृतार्थ प्रभाश्री प्रदान किया। अब कृति का नाम साध्वी कृतार्थ प्रभाश्री होगा और वे सूर्य प्रभाश्री की 21वीं शिष्या के रूप में जानी जाएगी। पहला विहार महावीर बाग के मंदिर का दीक्षा लेने के बाद गच्छाधिपति की आज्ञा से साध्वी कृतार्थ प्रभाश्री ने महावीर बाग स्थित चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर के लिए पहला विहार किया और साध्वी वृंद के साथ मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद वे अन्य साध्वी वृंद के साथ महावीर बाग के अपने कक्ष में चली गई। बीती शाम महावीर बाग परिसर में आयोजित एक भावपूर्ण समारोह में शहर के विभिन्न सामाजिक जैन संगठनों एवं कृति के परिजनों ने उन्हें आत्मीय विदाई देकर संन्यास के मार्ग पर चलने के निर्णय के लिए उनका अभिनंदन किया। समाज के प्रमुख बंधु भी इस अवसर पर मौजूद थे। कार्यक्रम में कृति की माता श्री पुष्पा कोठारी, छोटी बहन सुश्री जीजा मनीष बोथरा एवं मोसेरे भाई पीयूष जैन सहित अनेक नजदीकी रिश्तेदार भी मौजूद थे। बहन सुश्री कोठारी भी कंपनी सेक्रेटरी है तथा जीजा जी मनीष बोथरा भी एक सफल व्यवसायी है। उन्होंने कहा कि कृति जब 17 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद कृति ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि सियागंज स्थित पिता के बिजनेस को सफलता की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया। कृति की मां पुष्पा कोठारी ने कहा कि उन्होंने प्रण लिया था कि दीक्षा पर एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। मुझे प्रसन्नता है कि हम सब ने दृढ़ संकल्प के साथ कृति की दीक्षा को कमजोर नहीं होने दिया। कृति ने इस अवसर पर अपने 1/2 घंटे के उद्बोधन में मां एवं अन्य परिजनों के साथ ही जानकी नगर श्री
जीन श्री संघ एवं अन्य स्नेही जनों से मिले आत्मीय सहयोग एवं संबल के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अपनी मां पुष्पा देवी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि मैं दीक्षा ले रही हूं, कल मेरा दीक्षा महोत्सव होगा, लेकिन यदि माता पुष्पा देवी भी दीक्षा ले तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। उपस्थित समाज बंधुओं ने करतल ध्वनि से दीक्षार्थी के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। परम पूज्य गुरुदेव एवं तेते उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री चंद्रमणि परम सुदेश्वर जी महाराज साहब की शुभ निशा साक्षी नहीं चल रहा है यार साथी रत्न से विमल यशन से जी साक्षी सावक वर्य श्रीमान मनोज जी ओस्तवाल सुश्रावी कपनीता देवी एवं सर्वसम समक्ष विदुषी साध्वी रत्ना महत्रा पद विभूषिता श्री चंपा श्री जी महाराज की शिष्या गणनी प्रवरा श्री सूर्य प्रवासी जी महाराज की शिष्या आज तारीख क्या है 21 तारीख और सूर्य प्रवासी जी महाराज की यह 21वीं शिष्या है। क्या तारीख का योग बना है और सूर्य प्रभासी जी महाराज इसकी दीक्षा होते ही कुल मिलाकर के खाने हो जाएंगे। 2000 संघ क्या है आज संघ 2022 का संघ चल रहा है तो ठाणे भी हो जाएंगे 22। गणनी प्रवासी सूर्य प्रवासी जी महाराज की शिष्या साध्वी रत्ना साधा केसरिया केसरिया नया नाम जो मेरी भतीजी थी भतीजी है उससे तो मैंने उसका पहले नाम मैंने ही रखा था कृति कोठारी और अभी भी मैं ही रख रही हूँ। संयम के राजपथ पर चल रही है तो भी मैं उसे बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। उसको घूटी भी मैंने ही दी थी और आपकी घूटी का ही प्रभाव है। एक मिनट बुआ जी और किन्हीं घूटी पर रही हो 2 साल पहले जब गुरुदेव का चातुर्मास इंदौर में था 3 साल पहले तब उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि संसार छोड़ने जैसा है संयम लेने जैसा है। उस वक्त मैंने भौतिक सुखों को छोड़कर इस संयम जीवन को ग्रहण करने का निर्णय लिया। आप इंदौर में बचपन से पली बड़ी हैं, आपके सांसारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। आप शुरुआत से लेकर अब तक का आपने जब अभी तक जब ये निर्णय लिया तब तक आपका कैसा संसारिक जीवन में मैं बिजनेस करती थी जी। 10 ईयर्स मैंने बिजनेस किया है अपना और उसके पूरी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते निभाते हुए उसके बाद में ये डिसीजन मैंने लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के भी उसी कोर्स को आपने करने की कोशिश की। मैं CIPCC बोर्ड ग्रुप पास हूँ। मेरे फादर की आज से 10 साल पहले डेथ हो गई थी तो फैमिली बिजनेस संभालने के लिए मैंने CA की पढ़ाई छोड़ दी थी MBA फिर उसके बाद MBA किया मैंने। आज जो आपकी जीवन की शुरुआत हुई है एक नए जीवन की शुरुआत हुई है इसको लेकर के आपका क्या विचार है? आप आगे किस तरह से इसको आगे ले जाना चाहते हैं? आगे अपनी ज़िंदगी किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं? मैं लोगों को इसमें जोड़ूंगी आत्मकल्याण के लिए। सबसे पहला तो लक्ष्य यही कि मेरा स्वकल्याण हो उसके बाद पर कल्याण तो करना ही है और भगवान की जो जिन वाणी का संदेश है वो जिन शासन की ध्वजा आगे से आगे फहरानी है। आज आपके उदाहरण को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ जैन समाज के ही नहीं अन्य सभी समाज के लोग आपके त्याग को देख रहे हैं, आपके आपने जो निर्णय लिया है उसको देख रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ जैन समाज ही नहीं सबका जब मर जाएंगे तो आप उनको बोलेंगे छोड़ देंगे ये तो नहीं बहुत अच्छे से बोलेंगे बड़े गुरु जी यही अब यही कहना चाहूँगी कि जैसे संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एक ना एक दिन वैसे भी छोड़ मतलब आप उनको छोड़े या ना छोड़े वो आपको ऑटोमेटिक छोड़ देंगे तो वो हमको छोड़े इसके पहले हमें उनके ऊपर से मोह हटा के उनका त्याग कर देना चाहिए। इसी में महानता है। आपकी माता जी को लेकर के आपका क्या विचार है? अब आगे चूंकि आप अपने परिवार को हेल्प करती थी सपोर्ट करती थी उनको जो भी फाइनेंशियली भी मैं कहूँगी कि आपका सपोर्ट था तो आगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे उनका मैनेजमेंट कैसे होगा? उनके लिए ऐसा होगा कि मेरा जो बिजनेस है मैंने अपने मासी बेटे भाई जो संसारिक मेरा मासी बेटा भाई था उसको बिजनेस हैंडओवर करा
और अब वो साथ में रहता है, सब कुछ अब वही करता है। और बाकी मेरी मम्मी की सब व्यवस्था मैंने पहले करके उसके बाद में ये निर्णय उनसे राजी मर्जी खुशी सहर्ष खुशी से उनने ये मेरे को आज्ञा प्रदान करी, और मम्मी को कभी भी कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी ये विश्वास है मुझे। आपको ये कदम उठाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे 2018 में ही मिली, और इस भौतिक मशीन के युगों में जी के हम जितना मशीनों में उलझ गए हैं कि उसी में हम अपना सुख मानने लग गए हैं कि मशीन हमें लाइट चाहिए, पंखा, टीवी, फ्रिज, और सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास अगर पावर ही नहीं हो तो हम इन सब के बिना अधूरे हैं। तो ऐसा टेम्प्ररी सुख नहीं चाहिए था, परमानेंट सुख चाहिए था, इसीलिए यही सब चीज़ों ने मुझे प्रेरणा दी और मैं राजमार्ग पर आगे बढ़ी। आपकी वेशभूषा बदल गई है और जीवन भी पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है, क्या किस तरह से आप के मन में विचार है, क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा विचार मेरा कि मुझे पता है कि मेरे जितने सब जो पूरे समझ पूर्वक मैंने निर्णय लिया, ना ही कभी किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में ऐसा फैसला लिया कि मुझे करना है, बहुत सोच समझ के विचार करके सब करके उसके बाद में ये फैसला लिया कि मुझे सब चीज़ें त्यागनी है, क्योंकि आज से मेरी त्याग ही धर्म है, और आज से मेरा वेश परिवर्तन भी हो गया और धीरे धीरे सारी मेरी चीज़ों का परिवर्तन हो जाएगा। आपको जो नया नाम दिया गया है उसके बारे में बताइए, उसके बारे में आपको कैसा लग, जो नया नाम आपको मिला है साथ भी? नया नाम तो कृति था मेरा, और अब कृतार्थ प्रभा हो गया, तो नाम का तो वैसे भी कुछ नहीं, अभी बताया कि सब छोड़ना है, तो फिर नाम का भी ऐसा कुछ नहीं कि उससे कुछ ज्यादा लगेगा। दूसरा, इस सब की प्रक्रिया क्या होती है? अगर आज कोई भी है वो ये कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं उसमें हेल्प किया है कि क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से प्रोसेस पूरी शुरू होती है, अलग अलग रस्में होती हैं, शोभा यात्राएं निकलती है, वो सब क्या कैसे होता है आप बताइए। मुझे जब फर्स्ट टाइम साली साहिबा ने बताया कि दीक्षा लेनी है, मम्मी का भी थोड़ा सा मन, किसी का भी पहले अपनी बेटी को शादी होती है तो वो वापस घर भी आती है, मिलना जुलना भी होता है, बट इसमें कोई फिक्स जगह नहीं रहती है, स्थान पता नहीं रहता है, ना मोबाइल यूज कर सकते हैं, ना टच, जैसे भाई है तो उनको टच भी नहीं कर सकता, प्रणाम भी नहीं कर सकता, दूर से कर सकता है, बट ये जिस मार्ग पे जा रहे हैं, जिन शासन के मार्ग पे, पूरे जैन धर्म का नाम करेंगे, परिवार का तो करेंगे ही, सातों जन्म परिवार का नाम रहेगा, और पूरे भारत ब्रह्मांड का ये भला करेंगे, अच्छी लोगों को शिक्षा देंगे, जीवों के प्रति जो अत्याचार होते हैं उनके लोगों को सिखाएंगे कि जीव हत्या नहीं होना चाहिए। हमारे जैन धर्म में चिट्ठी भी अगर पास से गुजरी है उसको मानना नहीं है, ऐसा जैन धर्म में ये शोभा का काम हमारे साली साहिबा बढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी भी है, मन प्रफुल्लित है। मेरे लिए एज ए दोस्त भी बहुत थे वो, मेरे हर बात शेयर होती थी उनसे, बिजनेस से रिलेटेड या पर्सनल डिसीजन से। मेरी शादी को भी पूरे 3 साल हुए ही नहीं है, उनसे इतना करीबी था, हर चीज का डिसीजन हम दोनों आपस में, अगर उनको दीक्षा का जब भाव आया, मम्मी मना कर देती थी तो मैं ही उनको मम्मी को मनाता था कि जाने तो दो, अगर 10 दिन में पता चल जाएगा नहीं होगी तो वापस आ जाएगी। ये मार्ग बहुत कठिन है, ऐसे आसानी से नहीं है। फिर मम्मी धीरे धीरे मानी, बेचते थे 10 दिन, मैं उनको कई बार लेने जाता था, लेने जाता था और छोड़ने भी जाता था और लेने वापस लेने भी जाता था। ये जो पूरा कार्यक्रम सप्ताह भर का, आई थिंक 14 तारीख से 8 दिन का ये कार्यक्रम रहा, 14 तारीख से 21 तारीख तक का, 14 से 19 तक का जानकी नगर में रहा, जिसमें भव्य कार्यक्रम हुए, 3 पूजा हुई, 2 दिन महापूजन हुई, रात को भक्ति हुई, 17, 18, 19 हल्दी मेहंदी, पूरे एक शादी की जो प्रक्रिया होती है, हल्दी मेहंदी मूंग घी पिलाई ये सब इनको किया गया, राजा गाजे बाजे बारात के साथ जैसे। अच्छा, और इसके लिए आपको समाज से परमिशन लेनी पड़ती है ये सब कुछ करने के लिए, समाज मुहूर्त निकालना पड़ता है कैसे? ये हमारे गुरुदेव मुहूर्त निकालते, कोई भी चीज इनकी दीक्षा, जैसे ये रेडी होते हैं तो पहले गुरुदेव के लिए हम दीक्षा के लिए मुहूर्त लेने 25 अक्टूबर को पालितना गए थे, उस दिन गुरुदेव के 25 अक्टूबर हमारे पालितना तीर्थ है, पालितना में।